नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुमांशी रंगल। देखते हैं आज की सुर्खियां। बिदर के वार्ड नंबर 32 में नवाज खान का प्रचार जोरों पर, घर घर गूंज रही है जनता दल एस की जय जयकार। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बेंगलुरु, पोल से कार टकराने से 7 की मौत, डीएम के विधायक वाई प्रकाश के बेटे बहू भी मरने वालों में शामिल। PHANA ने स्कूलों को फिर से खोलने पर कर्नाटक सरकार को आग्रह किया। सिंचाई परियोजनाएं, HD कुमारस्वामी ने केंद्र पर लगाया दोहरे मापदंड का आरोप। PNB ग्राहकों को तगड़ा झटका, बैंक ने घटाई सेविंग्स अकाउंट्स पर ब्याज दरें, 1 सितंबर से लागू होगा नियम। दिल्ली NCR में जोरदार बारिश, जलभराव के बाद जाम से हाल बेहाल। CM योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में मनाई जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण से की कामना। तिहाड़ जेल से निकलवाने के नाम पर हुई 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी। पश्चिम बंगाल में BJP को झटका, विष्णुपुर के विधायक तन्मय घोष TMC में हुए शामिल। पुडुचेरी विधानसभा अध्यक्ष को पड़ा दिल का दौरा, अस्पताल में भर्ती। विदेश सचिव बोले, जरूरी हो गया है लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद से निपटना। भाजपा में जारी आंतरिक कलह के बीच त्रिपुरा में कैबिनेट विस्तार, 3 विधायकों को दिलाई जाएगी मंत्री पद की शपथ। जलियांवाला बाग मेमोरियल के कायाकल्प पर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा, खुद को बताया शहीद का बेटा। अफगान में तालिबान के आते ही जम्मू कश्मीर में बड़ी चिंताएं, 60 युवाओं के गायब होने से उड़ी सुरक्षा बलों की नींद। नोएडा में गिराए जाएंगे 40 मंजिला ट्विन टावर, सुपरटेक एमेराल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अमेरिकी सेना ने काबुल एयरपोर्ट छोड़ने के पहले सैकड़ों विमान, हथियारबंद वाहनों को किया बेकार। IPL 2020 में होगी 10 टीमें, खेले जाएंगे 74 मैच, 2 नई टीमों से BCCI कमा सकता है 5000 करोड़ रुपए। सोनम कपूर को सता रही है पति आनंद आहूजा की याद, बोली तुमसे मिलने को बेकरार हूँ। KP एक्सप्रेस में अब तक इतना ही, देखते रहिए KP न्यूज ताज़ा खबरों के लिए। धन्यवाद।